नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कल एक्सपायरी जब 6 मई की होगी तब मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, डाटा पॉइंट्स के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि हमने जो बात की थी क्या वो मार्केट में हुई या नहीं हुई। साथ में लॉजिक्स जो आपको बताए गए थे ऑप्शन चेन के ऊपर, क्या उसने काम किया या नहीं किया, ये भी देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैंने हमेशा कहा है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर लाइव मार्केट के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर आपको मार्केट का व्यू मिलता रहता है टाइम टू टाइम। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज्यादा कंपलसरी और बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको राइट डायरेक्शन लाइव मार्केट के डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर चाहिए। तो वहां पर मैं कोई डेफिनेटली रिकमेंडेशन या कॉल तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वहां पर आपको मार्केट का सही डायरेक्शन, मार्केट का सही व्यू और लेवल्स मिलते रहेंगे, जिसको यूज करके आप डेफिनेटली फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत लर्निंग वीडियो और हमारी एनालिसिस किस तरीके से मार्केट की जाती है वो सारी की सारी चीज यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। दोस्तों, आपको अगर याद होगा, अगर आप लोगों ने कल की हमारी वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो आप जाके क्रॉस चेक करिएगा। कल मैंने आपको यहाँ पर साफ साफ इस वाली वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुकी है। जहां अगर देखो दोस्तों, वहां पर मार्केट अगर ओवरसोल्ड हो जाती है तो वहां से डेफिनेटली एक बाउंस आना कंफर्म हो जाता है। और साथ में मैंने आपको ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर भी बताया था, क्या बताया था कि मार्केट का जो ओवरसोल्ड जोन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 14,350 से लेके, ये हमने कल बात की थी, 14,400 की रेंज। दोस्तों, मार्केट सुबह सुबह जैसे ही ओपन हुआ तो यहां पर इस रेंज तक तो मार्केट पहुंचा ही नहीं, और मार्केट ने जो कल का लो बनाया था 14,460 के आसपास का, वो भी नहीं टूटा। और अगर इस लेवल के आसपास मार्केट पहुंच भी जाता तो वहां से भी मार्केट को बाउंस ही करना था, क्योंकि ये टेक्निकल्स के फेवर में था बाउंस। तो हमने इस बाउंस की चर्चा जो है कल ही अपनी वीडियो के अंदर कर भी दी थी। बहुत सारे लोग बिलीव भी नहीं कर रहे थे इस चीज को, लेकिन एक्चुअली में बिलीव हमको डाटा पॉइंट्स के ऊपर करना होता है। डाटा पॉइंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं, 90% एक्यूरेसी रहती है डाटा पॉइंट्स की। कभी कभी हो सकता है कि 20 में से एक दिन हमारी डाटा पॉइंट्स हमारे लिए काम ना करें, लेकिन हाँ, हमको ये समझना पड़ेगा कि 90% जो है डेज के अंदर हमारे डाटा पॉइंट्स हमारी हेल्प जरूर करेंगे, और हमको भरोसा रखना होगा, तभी हम यहाँ पर बिलीव के साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे और हमको बेनिफिट हो पाएगा। दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर पहले से ही बुलिश थे और आज हमारे टारगेट भी हिट हुए, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिए, बाय ऑन डिप किया, सबको यहाँ पे बोला था कि कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज हुआ वैसा ही कि डिप लिया 2 से 3 बार मार्केट ने, लेकिन फाइनली मार्केट क्लोजिंग तक 14,640 के आसपास टच हुआ, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही बुलिश में बैठे हुए थे एज पर अवर टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, अब चलते हैं हम, कल क्या हो सकता है, एक्सपायरी है कल। तो कल सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो आप सब लोग लिख लीजिएगा कि कल हमको सेम डे एक्सपायरी के अंदर ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले तो हम अपने चार्ट को देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, लॉन्ग टर्म चार्ट है यहाँ पर, और ये चार्ट जो है मैंने आपको बहुत पहले से दिखा रहा हूं अपनी एनालिसिस के अंदर, और आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर अभी तक ये जो हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो मैंने आपकी चर्चा की थी, अभी तक कोई भी एक फुल कैंडल, याद रखिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्योंकि हमने चर्चा पहले से की कर रखी थी अपने चैनल के ऊपर, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी अभी तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे फुल कैंडल, जिसका ओपन हाई लो और क्लोज अभी तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो हमने अभी आपको दिखाया, वो ट्रेंड लाइन के नीचे अभी तक नहीं बना है। इस चीज की आपको चर्चा हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, और आपको ये चीज याद भी रखनी होगी। और इस चीज की अगर हम चर्चा, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, मुझे चेक करना होगा, मेरा नेट शायद थोड़ा स्लो हो गया है, माफी चाहूंगा इसके लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चार्ट्स हमारे वापस आ रहेंगे।
आई होप यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, नेट थोड़ा सा स्लो हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर माफी चाहूंगा, वीडियो की रुकावट हुई उसके लिए। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है दोस्तों, आपको दिख रही होगी, इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के नीचे अभी तक मैंने आपको कहा था जब तक कोई भी फुल कैंडल नहीं बनेगी तब तक आपका डाउन ट्रेंड नहीं पॉसिबल हो पाएगा, और इसकी चर्चा जो है मैंने आपको पुरानी वीडियोज में करके दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक करिए कि यहाँ पर अभी तक इसको अगर मैं चार्ट को बड़ा कर दूंगा तो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्लियरली। तो यहाँ पर अभी तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी फुल कैंडल नहीं बनी है जैसी हमारी चर्चा हुई थी, और अभी तक डाउन ट्रेंड भी तैयार नहीं हुआ है, और जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको पहले से ही यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। और आज की जो कैंडल बनी है वो बहुत छोटी रेंज के अंदर, मतलब मार्केट जो है 100 पॉइंट्स के अंदर पूरा दिन घूमता रहा, और टोटली एक रेंज बाउंड मार्केट था आज के दिन, और टोटली ऑप्शन बायर्स के लिए आज दिन नहीं था, ऑप्शन सेलर्स का दिन था आज पूरा का पूरा। और ऑप्शन सेलर्स का जो दिन है वो कल भी रहने वाला है, कल भी मार्केट जो है बेसिकली बहुत टाइम तक, मतलब 12 से 1 बजे तक जो है तकरीबन तकरीबन रेंज बाउंड में रहेगी मार्केट। और ऐसी तरीके से आज की तरह जो वाइड मूवमेंट थी दोनों तरफ की, ऐसे ही आज के दिन की ट्रेंड की मार्केट भी कल 12 बजे तक रहने की पूरी पूरी उम्मीद है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। अब ट्रेंड क्या है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ट्रेंड जो है वो एक अपसाइड ट्रेंड है, और इस चीज को आप समझना पड़ेगा, और डाटा पॉइंट्स भी यही कह रहे हैं, लेकिन कल क्योंकि एक्सपायरी है तो हमको यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। कॉशियस कैसे रहना पड़ेगा कि हमको जो भी हम ट्रेड लें, पहली चीज तो हम जान गए हैं कि मार्केट जो है रेंज बाउंड रह सकती है, इसलिए हमको सेम एक्सपायरी के अंदर ट्रेड नहीं करना है। हमने आज से ही अपने सपोर्ट ग्रुप के अंदर और अपने मेंबर्स को साफ साफ इंडिकेशन दे दिया है कि हम 12 मई के एक्सपायरी के अंदर ही कोई भी अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे तो 12 मई की एक्सपायरी के अंदर करेंगे। तो आप ये ख्याल रखिएगा कि एक्सपायरी कल है, तो कल के दिन अगर आप एक्सपायरी सेम डे के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको हो सकता है कुछ भी बेनिफिट ना मिले, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप रेंज बाउंड मार्केट को याद रख के अगले वीक के अंदर एक्सपायरी के अंदर ट्रेड जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर जो रेसिस्टेंस मिलेगा मार्केट के अंदर, वो रेसिस्टेंस मिलेगा दोस्तों यहां पर 14,730 से लेके, लिख देता हूं यहां पे मैं रेसिस्टेंस 14,740 से लेके 14,800 की रेंज, इसको 750 भी आप कर सकते हो, ठीक है। 14,750 से लेके 14,800 की रेंज कल के दिन यहां पर रहेगी, और मार्केट मेरे हिसाब से 14,650 से लेके 14,800 के बीच में ही दोनों तरफ जिगजैग मूवमेंट करेगी, और रेंज बाउंड मार्केट की वजह से आज की तरह आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे ही मार्केट यहां पर नीचे चली गई 5 मिनट के अंदर, कैसे मार्केट रिकवर कर गई। ओवरऑल मार्केट जब भी रेंज बाउंड होती है तो दोनों तरफ की मूवमेंट दिखाती है, जिगजैग मूवमेंट दिखाती है, जैसे कि आज भी दिखाया मार्केट ने ऐसी मूवमेंट, लेकिन ओवरऑल मार्केट यहां पर इस रेंज के अंदर कल ट्रेड करने का पूरा पूरा मार्केट का मूड रहेगा, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। मार्केट रेंज बाउंड टाइप की रहेगी, और 2 बजे के आसपास मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अपर लेवल्स के ऊपर। अपर लेवल्स क्या है, ये लेवल्स हैं अपर लेवल्स। तो दोस्तों अगर 2 बजे के आसपास आपको ये लेवल्स के आसपास मार्केट मिले तो डेफिनेटली अपनी पोजिशन क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर थोड़े से 100 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट तक के हिकअप्स भी आपको मिल सकते हैं, थोड़े से करेक्शन भी मिल सकता है, जस्ट बिकॉज की एक्सपायरी गेम रहेगा इस वजह से। तो ये चीज आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, 2 बजे तक अपनी पोजिशन को क्लोज कर लीजिएगा। जो भी लोग बुलिश पोजिशन कैरी करके गए हैं, हम लोग भी बुलिश पोजिशन कैरी करके गए हैं, तो हम भी इस बात का ख्याल खुद से रखेंगे। तो आई होप आपको कल की पूरी यहाँ पर मिल गया होगा लेवल्स, और मार्केट रेंज बाउंड टाइप की रहेगी। 2 बजे के बाद हो सकता है लॉन्ग साइड की पोजिशन की प्रॉफिट बुकिंग की जाए बड़े प्लेयर्स के द्वारा, आप इसी का ख्याल रखिएगा। और डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर जो भी रहेगा कल हम आपको अपने लाइव मार्केट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बता देंगे, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के नीचे है। दोस्तों मेजर जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है दोस्तों वो निकल के आ रहा है 760 का। तो 760 का यहाँ पे इस रेसिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो ये वाली ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर आ रहा है। तो 760 से लेके
डेफिनेटली 800 की जो रेंज है वो एक बहुत जबरदस्त रेसिस्टेंस रेंज है, इस चीज का ख्याल आप जरूर रखिएगा। अब हम फटाफट से ऑप्शन चेन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन चेन क्या कहने की कोशिश कर रही है, और फटाफट से फिर आपको बैंक निफ्टी का भी व्यू दे देंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन चेन मैं यहाँ पे आपके सामने ओपन करने कर लेता हूँ, और फिर हम देखेंगे ऑप्शन चेन क्या बोल रही है निफ्टी की। दोस्तों ऑप्शन चेन ने कल ही आपको बता दिया था कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट का डाटा जो है फिलहाल आज के क्लोजिंग का वो ठीक ठाक आया है, मिक्स डाटा है, और बहुत ज्यादा मतलब बुलिश तो नहीं है, बट फिर भी चलो ठीक है, हमारा मार्केट न्यूट्रल टू बुलिश डाटा अभी क्लोजिंग डाटा है। लेकिन ऑप्शन चेन का डाटा क्या बोल रहा है ये आपको समझना होगा इसको देखकर। 6 मई की जो ये ऑप्शन चेन है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर इन द मनी के अंदर सारी की सारी पोजीशंस क्लोज हुई हैं, ये एक बुलिश साइन होता है। साथ में यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि एट द मनी के ऊपर पुट राइटर्स हैवी हैं। यहाँ पर जो इन द मनी की पोजीशंस क्लोज हुई हैं दोस्तों वो 750 के आसपास हुई हैं, तो ट्रेडर्स भी जानते हैं कि यहाँ पर 14,750 से ऊपर, मतलब 750 के ऊपर जो है मार्केट का सस्टेन करना डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली है आज के दिन ही। और यहाँ पर भी मार्केट की जो पोजीशंस हैं वो क्लोज हो रही हैं, कहाँ पर कॉल साइड में इन द मनी के अंदर, तो यहाँ पर 550 के आसपास पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है 800 के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग भी है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर वही यहाँ पर निकल के आ रहा है कि 14,750 से लेके 800 के ऊपर आपका रेसिस्टेंस काम करेगा, ये आप नोट डाउन करके जरूर रख लीजिए। बहुत ज्यादा उम्मीद कल के दिन मत रखिएगा, और इस लेवल के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो 100 से 150 पॉइंट की डाउन ट्रेंड की मूवी वो रैली भी मिल सकती है आपको, मैंने आपको कल यहाँ पे क्लियर कर दिया। और यहाँ पर ऑप्शन चेन जो है टोटली यहाँ पर अभी रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर है, और एक्सपायरी मुझे ऐसा लगता है 14,500 से लेके और 14,600 के आसपास हो सकती है, इस रेंज के बीच में हो सकती है टोटली एक रेंज बाउंड डे मुझे कल के दिन यहाँ पर लगता है डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद। अब दोस्तों फटाफट से हम चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के देखिए आज शशिकांत दास जी आए थे और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया रीस्ट्रक्चरिंग के को लेके, मॉरेटोरियम को लेके, तो काफी ज्यादा मतलब उन्होंने पीएसयू बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस भी किया था, तो पीएसयू बैंक्स ने अच्छी रैली दिखाई और साथ में बैंक निफ्टी ने भी अच्छी रैली दिखाई यहाँ पर निफ्टी के मुकाबले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब बैंक निफ्टी भी क्या कहता है ये हमको समझना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके डाल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर इस चीज को देखिए कि यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है वो मेजर रेसिस्टेंस जो दोस्तों यहाँ पर अभी कल तो ये टारगेट तो नहीं आने का है, ये रेसिस्टेंस है आपका 33,790 का, ठीक है, ये तो कल नहीं आने का। लेकिन मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट का व्यू अभी तो फिलहाल बुलिश है, ठीक है, लेकिन एक रेंज बाउंड टाइप का बुलिश मार्केट आप कह सकते हो कि मतलब मार्केट बढ़ेगा तो सही लेकिन रुला रुला के बढ़ेगा। तो मेजर जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है ना दोस्तों वो निकल के आ रहा है 33,200 का, कितना 33,200 से लेके 33,300 का, इस रेंज के आसपास अगर गलती से भी आपको मार्केट मिल जाए तो अपनी पोजीशंस को बुक कीजिएगा, जो कि लॉन्ग पोजीशंस जो आपकी बुलिश पोजीशंस है उसको बुक कीजिएगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास डेफिनेटली एक बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है, और इस लेवल के आसपास यहाँ पे चेक कर सकते हो आपने, यहाँ पर बहुत बार प्रॉफिट बुकिंग हुई है, रेड कलर की कैंडल बनी है इस रेंज के आसपास, तो डेफिनेटली आपको इस रेंज के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन ना हो जाए 15 मिनट या 5 मिनट की दो कैंडल, तब तक आपको बुलिश नहीं होना है। इस चीज का मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मार्केट की पोजीशंस आप लोग बुलिश पोजीशंस कैरी करके गए हो मुझे पता है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है। और मार्केट की कल की जो रेंज रहने वाली है दोस्तों वो यही रहने वाली है, बैंक निफ्टी की भी 300 से 350 पॉइंट की रेंज रहेगी, रेंज जो रहेगी दोस्तों वो लोअर रेंज रह सकती है 32,800 से लेके 33,200 के बीच में। तो एक नैरो रेंज के अंदर कल मार्केट बैंक निफ्टी का और निफ्टी का दोनों का ट्रेड कर सकता है, और इस चीज का ख्याल रखिएगा कि कल एक्सपायरी है, 2 बजे के बाद कुछ करेक्शंस आपको मिल सकते हैं, और अगर मिले तो उस चीज का ख्याल आपको पहले से ही रखना होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी,
कैसा लगा वीडियो, कुछ फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो प्लीज उसकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।